चलिए आगे सुनते हैं। इससे पहले वो किसी चीज का आंकलन करती या किसी चीज को समझती रायन जा चुका था। कविता जैसे ठंडी पड़ चुकी थी, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो एक पल रायन को दोषी मानती तो एक पल अपने आप को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या फोन उठाकर रायन को वापस घर बुलाए या उसके पास जाए कुछ बोले। ऐसा करते करते 2-3 घंटे बीत गए, फिर डोरबेल बजी। कविता ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और दरवाजा खोला। आदित्य आ चुका था, उसे भूख लगी थी। कविता धीरे धीरे माँ के रोल में सिमटने लगी। आदित्य के लिए उसने कुछ खाने को बनाया, लेकिन उसके मन में रायन अटका हुआ था। वो घड़ी घड़ी अपना फोन चेक करती, कई बार फोन भी लगाया, लेकिन रायन का फोन नहीं लग रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। उसने आदित्य के हाथ में कुछ पकौड़े बनाकर दिए और कहा कि ये रायन अंकल को दे आओ। आदित्य भागता भागता खुशी खुशी रायन की बिल्डिंग में जाता है। डोर बेल बजाता, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो पकौड़े लेकर घर पर आकर माँ को अपनी बात बताता है। ये सुनकर कविता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, और बात भी ऐसी थी कि किसी के साथ साझा भी नहीं कर सकती थी। रायन का कुछ अता पता नहीं होता, वो कहाँ है, किधर है, या मुंबई छोड़कर चला गया है। कविता को रायन के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो कई मैसेज और कई बार कॉल लगाकर थक चुकी होती है। इस इरिटेशन के विक्टिम बनते हैं उसके पति और उसका बेटा आदित्य, जो हर वक्त घर में एक चिड़ी सी कविता को देखते हैं, और दूसरा विक्टिम आदित्य, जो अपनी मम्मी को हर वक्त सामने वाली बालकनी की तरफ देखता पाता है। लेकिन कहते हैं ना, समय हर घाव को भर देता है, और कुछ ऐसा ही होता है कविता के साथ। 4 महीने बीत चुके हैं। रायन और कविता के बीच में जो कुछ भी था, उसकी यादें कविता के मन में किसी पुराने ट्रंक की तरह कोने में पड़ी रह गई। कविता का जीवन फिर उसी रफ्तार पर आ जाता है जो पहले हुआ करता था। वही सुबह उठो, पति और बेटे को काम और स्कूल भेजो, दिन भर बैठकर सफाई करो या घर को संवारो। उस दिन भी वही था। वही पुरानी नाइटी पहन के कविता बालकनी में कपड़े रोज की तरह छटक छटक के सुखा रही थी, और अंदर से मजबूर सामने की बालकनी की एक झलक ले लिया करती थी। लेकिन आज सामने का दरवाजा खुला हुआ था। कविता को लगा शायद रायन वापस आ गया है। इतना सोच ही रही थी कि तभी रायन का खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। वो कविता को देखकर वेव करता है, कविता भी उसको वेव करती है। कविता के मन में 1000 सवाल और खुशियों का एक सैलाब सा आ जाता है। वो भाग के अंदर जाती है, अपने आप को शीशे में देखती है और थोड़ा सा चेहरा संवार कर फिर बालकनी में आती है। लेकिन देखती है रायन के पीछे कोई उसी की उम्र का एक अंग्रेज सा लड़का खड़ा है, जो पीछे से रायन को हाथ से पकड़कर कमरे में खींच लेता है। वो दोनों दीवार से सटकर एक दूसरे को किस करते हैं। कविता को एक पल के लिए लगता है जो कुछ भी देख रही है वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी जो सच है वो उसके सामने था। कई सवाल कई बार खुद जवाब दे जाते हैं। धीमे कदमों से कविता वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। अब उसे सब समझ आ चुका था। पूरा दिन अपने बिस्तर पर लेटी रहती है, सोचती रहती है, ऊपर लटके पंखे की तरह देखती रहती है और अपने मन को समझाती है। शाम होती है, कविता अपना फोन चेक करती है। रायन के मैसेजेस हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन कविता जानती है कि रायन से मिलकर समझने समझाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। कहीं ना कहीं पर वो अपने आप से शर्मिंदा है, और कहीं ना कहीं पर उसके मन में एक गिल्टी फीलिंग है, अपने परिवार को पिछले कई महीनों से निगलेक्ट कर रही थी। शाम होती है, पहले आदित्य और फिर थोड़ी देर बाद उसका पति आता है। कविता ने अपने मन में ठान लिया है कि अब बस मैं मेरे परिवार को अच्छी तरह से देखूंगी। उसने रायन को सोने से पहले अपने फोन पे ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1203। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, इससे हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। और मिलते हैं नई कहानी के साथ। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखें।